हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शत्रुघ्न फार्मिंग जोन में। ये जो खेत देख रहे भाई, इसमें एक बो रखा सूखे का, और इसकी जो खेत भट्टे में दे रखा था इसलिए मट्टी उठ रही थी, इसमें थोड़ा सा डाकर पड़ा था, और उसके बाद सूखे में एक बोने के बाद इसमें जो इसकी दबा रहे देखो, उसे रोटर वोटर से ऊपर से भारे, एक आध कांची तो पटे भाई देखो, फिर भी डली का वाहन होने के कारण बहुत बढ़िया तरीका। और उसके बाद रोटरी के बाद इस पे मड़ा मार देंगे भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। भुरभुरी मट्टी हो जाएगी, देखो कांची तो फट रही है भाई, एक कांची फटी है अब तक। मैं भी पीछे से दिखा रहा आपको, और एक और ये फटगी, यानी वैसे तो फिर भी सही स्थिति चल रही। ये स्थिति सही चल रही, बिल्कुल सही खेत हो रहा भाई, और इससे मट्टी भुरभुरी हो जाएगी और जमाव भी अच्छा होगा ईंट का रोटर वेटर से। बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे भाई का। और ये दिखा दूँ, ऊंचे ही लग रही ड्रो, ज़्यादा नीचे नहीं लगा रखी रोटर वेटर। और जो भाई वो देख रहे हैं आप, तो एक आज जो कंची पट जा, उसे कंची को दबा दे भाई, दबाने का काम कर रहा। किसान भाइयों, ये देखो जो रोटर वेटर फेरा था पहले इस खेत में, कुछ डाकर का खेत होने की वजह से भाई इस खेत में डड़े बन गए थे। और देखो ये पत्थर की रोटरी, कोल्डी कहते थे पहले से, और आयसर ट्रैक्टर पे सतीश फेर रहे भाई भाई। और ये देख रहे आप, पहले बहुत किसान फेरा करते थे कोल्डी पत्थर की, और थोड़ी सी जानकारी लेंगे भाई सतीश थे, ये जो पत्थर वाली कोल्डी है इसका फेरने के क्या लाभ है या क्यों फेर रहे। इस तरह देखो मैं भी बता दूं अपनी जानकारी के लिए, जो इस खेत में ये डड़े हैं, ये खेत दिखा रहा मैं, ये डड़े फोड़ दिए, ठीक है। देखो भाई बहुत बढ़िया चीज लाई डाकर में रोट कोल्डी, बहुत पहले की बात है जब हम छोटे छोटे से किसान भाई इसे कोल्डी को फेरते थे। देखो ये डड़े का भान है, ये दिखा रहा मैं आपको, डड़े का भान है, और डड़े के भान में इसने या भुरभुरी मट्टी कर दी है, सब फोड़ दिए। ठीक है, धन्यवाद।